दोनों ही काम के कोनी भाई साहब, किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कहते कि बढ़िया है, अपना अगर वर्क है आराम से बैठ के। यदि छोटू राम के नाती होने के जाते और देवीलाल का पोता होने का मतलब उनकी असली होंगे नहीं मैं तो ये बड़े किसान का गला खड़े होंगे। लूट लिया उचाना पहला 29 लुटिया भी हुआ है लुटने खातर, वोट तो आपने भाई दिए। भाई मूछ का सवाल हो रहा है। अच्छा मूछ सरकार तो कहा हमारे ऊपर रखें, माँ में कहा हमारे ऊपर रखेंगे, माँ में ऊपर नहीं रखेंगे तड़ा नहीं पड़ेगा। आया पाकिस्तान का है दोनों भाई, वो पाकिस्तानी है, उसका गांव का भी पाकिस्तानी खट्टर कहते हैं उसको। पूछ के देख लेने कहेगा पाकिस्तान दादा ये बता देंगे अब भाई। ये तो सारे इसे लग गए बने ब्याह बुआ तो इन्हें कहेंगे मेरा तो सही नहीं बाड़ा कुकर पड़ेंगे, हमने तो मेरा कुकर पड़ेंगे बाड़ा का। ये तो सारे एक से कहते यू भी बना ब्याह यू भी तो करते लेट हो गई। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। उचाना में हाँ किसान आंदोलन चल रहा है भाई, दिल्ली में जान लग रहे हैं प्रतिदिन किसान, कुछ अफवाहें भी फैलने लग रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा तो काफिला था किसानों का तो रुकवाया है, बात कर लिया भाई यहाँ तक कड़े के कुछ है। राम राम भाई। राम राम भाई। नाम क्या है भाई अपना? अनिल नाम है भाई। तो जो यू ट्रैक्टर का काफिला है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हो तो यू कड़त आया के कुछ है बताओगे? उचाना खुर्ता है भाई साहब। अच्छा और एक ड्यूटी ला रखी गांव भाई से। अच्छा मतलब एक गांव में था जैसे हम 4 ट्रैक्टर हैं हमारे। हाँ। आग गांव में 4 और मिलेंगे। हाँ। लास्ट में दिल्ली तक पहुंचते बहुत मतलब 100-150 ट्रैक्टर हमारा काफिला हो जाएगा। अच्छा अच्छा तो एक और है नहीं। दूसरी तरफ अफवाहें फैलाई जाने लग रही हैं कि भाई हरियाणा वाले तो इसका मैं हैं भी को नहीं, हरियाणा वाले ने तो न्यूज़ सहयोग दे दिया है, किसान आंदोलन का समर्थन नहीं को नहीं करते, इस तरह की अफवाह लग रही है भाई। जो ये अफवाह फैलावा है नहीं। हाँ। वह आदमी फैलावा है जिसकी अंग्रेजा के रास्ते भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। उनके बाप दादा ने अंग्रेजा ही गुलामी करी और वह आज भी गुलामी करने तैयार है। इस तरह के अफवाह सिर्फ वह लोग फैला रहे हैं, किसान पूरा खिंच के भाई उस आंदोलन के समर्थन में है। सारे जितने हमारा गाँव के यहाँ सारे हमारे उचाना खुर्द के हैं भाई, पूरा खिंच कर दिलता है भाई सारे खिंच के। अच्छा जो अंग्रेज जो गुलाम थे कोई दिक्कत नहीं, उनकी आज भी कोई दिक्कत को नहीं। यहाँ तो नहीं कहा है किसान ना की तो आय दोगुनी कर दिया है, किसान खामन खाई बकाए हुए लाग रहे हैं भाई। किसान ना की आय दोगुनी किस तरह तो हो जाएगी? आप अपनी मंडी में चल के देख लो, बाजरा का भाई 2150 का भाव था। हाँ। और 1400-1500 में अपनी मंडी में बाजरा बिका है। अच्छा। कपास का जो सरकारी रेट है 5725 है, ये 5200-5100 बिकने लग रहे हैं। हाँ। और फिर उसके बाद अगले साल तो ऐसा काम हो जाएगा इस कानून में। हाँ। मतलब जो अपनी गेहूं की है नहीं वह समर्थन मूल्य पे बिक दिए को नहीं, गेहूं को खरीदना ही नहीं मिलता है। अच्छा। तो ये तो सिर्फ अफवाहें सरकार फैला रही है, जो उसके मतलब ला लो दलाल ला लो उसके समर्थन आड़े हुए फैला रहे हैं भाई साहब। किसान इस बात में नहीं है, किसान तो अपना आंदोलन जिनसे नेता ही किसान का नाम पर राजनीति करे हैं और कुया तो खेत में जाएगा ना दांती हाथ में ले लेते, कुआ गुग्गू पर चढ़कर खड़े हो जाए थे, तो उनका क्या करा भाई? उनका बहुत बुरा हाल होगा आने वाले टाइम में। अच्छा। लोगों का समझ में आएगी है। हाँ। कि सिर्फ वो फोटो खिंचवाण खातर काम करे थे। अच्छा। असली नेता होंगे ना किसान के, तो आज थोड़ा धरना पे गल्ला बैठे हैं भाई। ठीक वहाँ अपनी महिला में बैठे हैं, किसान और सर्दी में मरने लग रहे हैं सड़क पे है। जो ये जितने राजनेता हैं इनमें तो कोई अपने बेटा ना बाबू ने पर सड़क पर सुहा तो दिखाओ, फिर इनती बेरा पटेगा किसान का दर्द। तो ईब है नहीं आप ट्राली 4 लेकर चले गांव में। हाँ। तो इनमें के तामझाम हर कितने दिन आके कुछ लेकर चले भाई साहब? इसमें तामझाम पूरा है। माँ में मतलब जो ये बंदे आए हैं गांव ने एक रूटीन बनाया है। हाँ। कि जो माँ में आए यहाँ 10 दिन में रह काम उड़ा। अच्छा। 10 दिन के बाद क्यों काम धंधा भाई खेती बाड़ी का काम है सबका सारे उड़े, तो इतने बंदे फिर वापिस आ जाएंगे गाँव में, इतने बंदे फिर दोबारा बिक जाएंगे। खाने पीने का हमने प्रबंध करे है भाई, जो माँ में 30-35-40 जो भी आदमी हमारा प्लस में ओड़ा हमारे पे 50 भाई यहाँ का 100 भाई यहाँ का, जो हमारे पे पुगेगा माँ मेरे साहब तलंग रहेगा उनकी भी खाना खिलावाएंगे भाई। जो हमारे पहल बनेगी हमारे पंजाबी भाई यहाँ की जो अपने हरियाणा में बैठे हैं सबकी जो हमारे पे जितनी हेल्प कर सका उतनी हेल्प कराएंगे उड़ा। एक बात और है देखने मिली है, क्योंकि उचाना में आवा है मेरे साथ, उचाना खुर्द है अलका उचाना में आवा है और हमारा यहाँ था डिप्टी सीएम साहब भी हैं। और पहला देखा तो राजनीति उरा बिरेंद्र सिंह भी अच्छी करके गया है, क्योंकि एक अपना आपती छोटू राम का नाती कवा है, दूसरा देवीलाल का खून कवा अपना आपती, तो दोनों में आपने के लग गया? दोनों ही काम के कोनी भाई साहब, किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कहते कि बढ़िया है, अपना अगर वर्क है आराम से बैठ के। यदि छोटू राम के नाती होने के जाते और देवीलाल का पोता होने का मतलब उनकी असली होंगे नहीं मैं तो ये बड़े किसान का गला खड़े होंगे। लूट लिया उचाना पहला 29 लुटिया भी हुआ लुटने खातर, वोट तो आपने भाई दिए सभी ने दिए हैं, तन्ने भी दिए मन्ने भी दिए हैं, क्योंकि थे यहीं तक देने थे वोट। लेकिन ये भी इस टाइम पर उन कौन सा भी काम के कौन भाई? कौन सा ऐसा नहीं भाई जो किसान का गला ला गया हो। राम राम जी। राम राम। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपके कहना चाहूँगा दोनों नकली हैं। अच्छा। ये तो वोट लेकर घर बैठ गए नहीं, इनती तो आगे आनंद देते थे मैं बोरा भी। अच्छा। हमारा किसान ना कोई नया नेता ठाएंगे और उसने बनावाएंगे। बिल्कुल। तो एक और जो पार्टी सरकारें थी ये कहें हैं भाई पार्टी सरकारें वहाँ भी इस बिल ने लेकर आने लग रही थी। पार्टी हमें भी कांग्रेस का था पंजाब वाला मुख्यमंत्री यू मेंबर था, उसको मैं बनाना सब सारी साइन इसके भी थे। हाँ सारी नकली हैं सारी। अच्छा। सारी हाँ कांग्रेस का मैं आता है, कांग्रेस का मैं आता यू पंजाब वाला मुख्यमंत्री सदस्य था या इस बिल का पास करने में। अच्छा हाँ तो मान ले कुल मिला के यह बात है किसान ना खातर कोई अच्छा को नहीं। तो हम अपना खुद नेता चुने कराएंगे, इलेक्शन लड़ाई कराएंगे, जो हमारी पार्ट पड़ेगी नहीं पड़ती है कोई। राम राम भाई, क्या नाम है जी आपका? मनोज। तो इस आंदोलन का बारे में सरकार की नीति के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई सरकार ने तो जमा खाट खड़ी कर रखी है। अच्छा हाँ ये बिलक मान नहीं रही, सारी जनता इतनी बटड़ी हुई है और दिल्ली बैठे हैं जाए कने और लोग परेशान कर रखे हैं, किसान जमा परेशान बढ़ा दिए थी और हमारी बात नहीं मान रही। एक और जब वोट लेने हुए हैं जब तो रोड का ऊपर आजे हैं सारे के सारे पैरों पड़ते फिरेंगे लंबे, लेकिन अब ना कोई खट्टर दिखाई देने लग रहा है, ना कोई और नेता दिखाई देने, जितने मंत्री संतरी ना ही दिखाई देने लग रहे हैं। ताजी ये बात है प्रधानमंत्री बधाई देने वो अंबानी का कह पोता हुआ था दूर अस्पताल में नोड़ गया। बस जाएगा या सरकार अंबानी अडानी की है, उनका तो पोता हो चाहे ब्याह हो उनमें तो पहुँचाएगा। ये किसान धरना पर जमा नहीं पहुँचता तो ये बहुत दूर बढ़ा रखे अडानी और जायजा पहुँचने लाग रहा हो। यदि किसान कौन दिखते दौरे बैठे और आन इलेक्शन फिर बेरा पड़ जाएगा होती, फिर किसान ने माना होती कड़िया और कौन जाना। ये बहुत सारे किसान भाई शहीद हुए हैं, करीबन 10-12 शहीद हो लिए, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया है कि भाई ये अपना खातर मरे हैं या अपना लेवन खातर जितने भी हैं रोड पे बैठे हैं ये मजबूरी में बैठे हैं। मजबूरी में बैठे हैं, सरकार इनके खिलाफ दे नहीं रही। सरकार तो भी नहीं कही गलत बैठे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये फलाने हैं, देखड़े को पाकिस्तानी कह रहा है, को चीनी कह रहा है, को कीमे कह रहा है। इन्हें के नेता बयान देने लग रहे हैं बात की, ये न्यूतन देख रहे हैं सारे किसान उठ कह रहे हैं, इनके भी नहीं समझ में आ रही बात। आ जाएगी आस्ते आस्ते, हाँ समझ में भी आ जाएगी, सारे काम आ जाएगी। मोदी जी जो पहली बार मतलब प्रधानमंत्री तो पहला उनका जो भाषण था शुरू में उनकी दिया था भाई मैं पीएम बन गया नहीं तो पहली कलम तय सिर्फ किसाना के बारे में सोचूंगा, जो मेरी पहली कलम चलेगी वो किसाना के हित में चलेगी, लेकिन वह कलम आज तक नहीं चली। बाहर मतलब हरियाणा में अपना पहला जाट आकर्षण होया था, फिर पीपली में भी लठ बरसे थे किसाना पे, ई व्यू हो रहा इतने दिन हो गए। प्रधानमंत्री ने एक बार भी मतलब एक बार भी न्यू नहीं किया कि भाई हरियाणा में किसान बैठे हैं, हरियाणा के पंजाब के, उसके बारे में। बाकी मन की बात में सब कुछ कह दे हो, जैसे आप बोलते हैं अडानी अंबानी का पोता हो रहा है बिक गया कड़ियाँ, कोई विदेश में है जो उसके मतलब अमेरिका में 2 बंदे मर जाए नहीं और जुए कैमरा पे है शोक संदेश देवा है और अपने इतने मर लिए भी हैं, मरने लग रहे, किसी का कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री लोगों ने सोचा था कि सबसे बढ़िया है लेकिन जो सबसे घटिया निकला। किसान कौम को तो मतलब इस सिस्टम बनाया देश थी ख़त्म करना है, लेकिन मोदी जी मैं ये बताना चाहूँ चाहे कितने गोड्डे रगड़ लियो किसान ख़त्म नहीं होगा। सरकार ख़त्म हो जाएगी, किसान ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि किसान भी एक हो गया है। राम राम भाई। भाई साहब नाम है? परवीन है भाई। ना उम्र कितनी है भाई साहब तेरी? 21 वर्ष। 21 साल है। हाँ। तो 21 साल की उम्र में आप इस आंदोलन का हिस्सा हो रहे हो। हाँ। तो आपने न्यू कौन लगता है सरकार इस चीज का नजायज हो कर कहना आप पर केस लगा दी, आपका भविष्य खराब करने की है, ही बात कर सकते जेल में जाने के लिए तैयार है भाई साहब। अच्छा आपने मन बना रखा भाई अपनी किसानी बचानी, खेती नहीं बची जिम्मा हम क्या कराएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी साहब ने 2014 में ये कहा था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा, स्वामीनाथ की रिपोर्ट करूंगा। 49 रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं, 15 लाख रुपये हर खाता में डालने के लिए कहा था, कोई पैसा नहीं डाला। 1-2 हज़ार रुपये किसान के खाता में डाले, कहता मैंने हर वर्ष बोलिया 6,000 रुपये देता हूँ, 6,000 में क्या बनेगा भाई साहब, एक किले भी जाई को नहीं होती समय। हाँ तो भाई आज का दिन किसान बिल्कुल दुखी हो रहा है। भाई साहब आप नाम बताइए अपना? जसवीर है। जसवीर भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे सरकार का बारे में, ये काले कानून का बारे में? मारा भाई मूछ का सवाल हो रहा है। अच्छा मूछ सरकार तो कहा मारी ऊपर रखेंगे, माँ माँ में कहा मारी ऊपर रखेंगे। अच्छा। माँ में ऊपर नहीं रखेंगे तड़ा नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ बस ये उरे तोड़ा एक और है नहीं खट्टर ने कहा है सारे पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर आंदोलन लाए गए, उनका कहना तो क्या हुआ है ये तो मूछ का सवाल हो रहा है, फुटे को नहीं हटते। अच्छा हाँ हाँ जी पाकिस्तान का आया है उसमें तो सारे दिक्कत ही पाए। यह बात नहीं होगा है को मैंने जंग काम तो आया था जहाँ तो उसकी जंग ही कम है नहीं, फिर आया तो पाकिस्तान का है दोनों भाई वो पाकिस्तानी है, उसका काम का भी पाकिस्तानी खट्टर कहते हैं उसको, पूछ कर देख लेने होगा पाकिस्तान का था ये बता देंगे। अब भाई ये तो सारे इसे लग गए बिना ब्याह बुआ दिन ने कहेंगे मेरा तो सही नहीं बाड़ा कुकर पड़ेंगे, हमने तो मेरा कुकर पड़ेंगे बाड़ा का। अच्छा ये तो सारे एक सारे से कहते यू भी बना पिया यू भी तो करते लेट हो गई हिंदी ये कहता तो और जोर चाहता है बता मैं इनका क्या करा हिंदी न्यू नहीं मेरा बाड़ा कुकर पड़ने हैं न्यू रखा न्यू आप दिया हिंदी के मेरा कुकर ठाना है न्यू रखना है मेरा को नहीं। बता कुकर पढ़ाएंगे हिंदी तो मेरे को नहीं सोच है छोड़ मुँह देकर यार की नींद सुते हैं भाई साहब। अच्छा। बहुत मुश्किल उठेंगे हमने जमा वहाँ पर रहना पड़ेगा अपने डांगर पशु भी ओढ़े ले जाने पड़ेंगे खेती भी डिवाइडर वाला गए भाई तमाम करना है डाली तो खत्म होने लग रही ओढ़े करनी पड़ेगी तमाम ने ओढ़े एक भाई इनने इतना तगड़ा मैं जो इनके समर्थक है नहीं भी फिलहाल भी मतलब मुझे शर्म नहीं आती यार खुद पे किसान काम और सड़क पे बैठकर अपनी लड़ाई लड़न लग रही है और वह एक लड़ाई लड़न लग रही है अपने नेत्या ने खुश करने खातर। किसान ने पाकिस्तानी बताओ हैं खालिस्तानी बताओ हैं यार उनका भी इतर कोई ज़मीर है कि नहीं है उनका ज़मीर मर चुके हैं बिल्कुल भाई साहब गिर चुके हैं वह बिक चुके हैं उनकी सब कुछ यार बता पाकिस्तानी हमने ये उचाना काम रहे हमारा उड़ता है यहाँ सारे इमाम नहीं पाकिस्तानी कह देंगे तड़का मैं मोड़ा जाऊँ ज़मीर भाई साहब उनका ख़त्म हो गया बेच दिया उनकी अपना सब कुछ जो आज बंदा किसान कौम के खिलाफ बोला है ना भाई वो दुश्मन है इस देश का अंग्रेज जाता भी खराब हो अंग्रेज जाता भी खत्म है। एक और भाई खट्टर दिखाई उचाना 7 किलोमीटर दूर है भाई उचाना खुर्द ये बोर्ड लग रहा उचाना खुर्द 7 भाई साहब एक बार और पाकिस्तान भाई किसाना का बीच में रोष है लेकिन इनकी मन बना रखी है भाई जब तक अपनी लड़ाई नहीं जीत लेंगे तब तक वापस नहीं आवांगे और हर गांव की ड्यूटी लगा रखी है हर बंदा की जिम्मेवारी बना है इसमें सहयोग देने की। आप इस बारे में क्या सोचो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो मिला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सारे भाई है ना जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान।